Hello everyone, welcome to Shri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where every day we use to cover the important current affairs. आज के सेशन में 30th ऑफ मई से एसोसिएटेड जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, प्रिलिम्स और मेंस दोनों के परस्पेक्टिव से हम आर्टिकल को कवर करेंगे. ऑल यू नीड टू डू इज, अगर आपको सेशन अच्छे लगते हैं सो डोंट फॉरगेट टू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन. You can share it with the other friends also. Let them know about this session and don't forget to like the session as well. So like, share and subscribe. This is all you need to do. The three things and it will hardly take a minute of yours. So यहाँ पर मैं अब आपको एक लिस्ट दिखाती हूँ कि आज हमें क्या कवर करना है. There you go with it. So what we will be covering today, we have this list जिसको हम prelims और mains दोनों के perspective से cover करेंगे. तो first is World Menstrual Hygiene Day. 28th ऑफ मई को होता है. ये क्यों होता है, क्या सिग्निफिकेंस है, अभी भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके क्या चैलेंजेस हैं, क्या टैबू है, और परसेंटेज वाइज मैं आपको डेटा बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करेगा. जीएस पेपर 2 से भी आप इसको लिंक कर सकते हो. तो यहाँ पर सिर्फ ये डे कब होता है और इसकी थीम क्या है, उससे ज़्यादा काफ़ी कुछ है जो आपके मेंस के लिए काम आएगा. सो यू कैन राइट योर आंसर एट दोज पॉइंट्स जीएस पेपर 2 से. और अभी तक व्हाट स्टेप्स वी हैव ऑलरेडी टेकन इन दिस डायरेक्शन, राइट, सो वो सब क्लब कवर करेंगे. इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जीएस पेपर 3 से आप लिंक कर सकते हो. ये हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि IRDAI का विजन है कि इंश्योरेंस जो है ना, बेसिकली हर एक पर्सन इन द कंट्री शुड गो फॉर इट. सो IRDAI विजन 2047, ये क्या विजन है, IRDAI के बारे में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस, अबाउट द विजन, उसका सिग्निफिकेंस, ये सब कुछ कवर करेंगे इन डिटेल. सो देयर यू गो विद इट जीएस पेपर 3 के साथ. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इसलिए न्यूज़ में है, अगर आपको याद हो तो कल के सेशन में हमने खेलो इंडिया गेम्स के बारे में पढ़ा था, जो अभी रिसेंटली कहाँ हो रहे हैं, यूपी के अंदर. तो वहाँ पर जो जीत रहा है ना, उसको जैसे डिस्ट्रिक्ट, उनके डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक आप कोई प्रोडक्ट दे रहे हो एज अ गिफ्ट, राइट. सो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, इस खेलो इंडिया के बारे में तो मैंने कल कवर कर दिया था सेशन में. जिन्होंने नहीं देखा है, गाइज यू कैन सी द लास्ट सेशन, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसका सिग्निफिकेंस, एस्पेक्ट, सब कुछ. यहाँ पर मैं खेलो इंडिया के बारे में ज़्यादा रेफर नहीं करूँगी. विल टॉक अबाउट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट टुडे विन रेफरेंस टू खेलो इंडिया, दिस इज इन न्यूज, ठीक है. नीति आयोग का एनुअल हेल्थ इंडेक्स आया है, जहाँ पर आप कुछ पैरामीटर्स के थ्रू देखते हो कि कौन सी स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रही है, नहीं कर रही है, तो हम वो देखेंगे, इसको कवर करेंगे, पेपर 2 से लिंक कर सकते हो. ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क न्यूज में है, तो कहाँ पर है, कहाँ है पता है, चलो बताते हैं, फिर घूम के आएंगे थोड़ा कुल्लू मनाली के आसपास आज, ठीक है, वहीं पर है. तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क देखेंगे. कमेमोरेटिव कॉइन ऑफ ₹75 डिनोमिनेशन है, दिस इज विद लिंक टू न्यू पार्लियामेंट जो अभी बना, उसकी इनॉग्रेशन हुई है, जो वो हमने बेसिकली कितने एडिटोरियल्स हिंदी के अंदर, हिंदू के अंदर आए, जिसमें हमने उसके बारे में भी बात करी हुई है. सो ये एक लिस्ट रहने वाली है, आप सेशन में हम क्या कुछ करेंगे, आई थिंक अब आपको एक आइडिया लग गया है. तो इसी के साथ मैं प्रोसीड करती हूँ आज के हमारे पहले आर्टिकल की तरफ. इंटरप्रिटेशन सेंटर हैज़ बिन डेवलप्ड, कहाँ पर, इन सेंज वैली ऑफ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एट सेंज रूपा. सो ये जो इंटरप्रिटेशन सेंटर डेवलप हुआ है ना इस वैली के अंदर, तो आपके लिए ये नेशनल पार्क न्यूज़ के अंदर आ गया है. ये इंटरप्रिटेशन सेंटर लगा लो जैसे कि एक स्मॉल म्यूजियम और कोई एजुकेशन फैसिलिटी, जैसे वहाँ पर कितने अलग अलग तरीके के प्लांट्स, एनिमल्स, स्पीशीज ये पाए जाते हैं, तो देयर यू विल सी, आप उनके बारे में पढ़ सकते हो, पिक्चर्स एंड एनिमल्स होंगी, सो देयर माइट बी द मॉडल्स और पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, जैसे स्नो लेपर्ड हो गया, हिमालयन मोनाल, मस्क डियर, सो इट विल बी वेरी फैसिनेटिंग, सम वेरी फैसिनेटिंग क्रिएचर्स जो हैं उनके वहाँ पर यू विल सी इंटरप्रिटेशन सेंटर के अंदर. सो इट इज़ डिजाइंड ओवरऑल टू टीच पीपल, स्पेशली यंग स्टूडेंट्स, अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दी सेंज वैली, इस नेशनल पार्क के बारे में, राइट, इंटरेस्टिंग थिंग्स आपको पता चलेंगे. तो इसीलिए ये न्यूज़ में है. अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम परस्पेक्टिव से ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बारे में जानना. तो गए फिर हम हिमाचल प्रदेश, गए फिर हमने गए कुल्लू मनाली, तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने देखा
इन बंजार सब डिवीजन ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट है। आज आपको हिमाचल प्रदेश में जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो कवर करने हैं। ऊपर देखो नॉर्थ में पिन वैली नेशनल पार्क, नीचे थोड़ा सा इधर रुपई भावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इनकी अरेंजमेंट जो है, इधर देखो इतीथन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो यू हैव टू लोकेट ऑल दीज प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। हम बात कर रहे हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की, जो 1984 में इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड और 1999 के अंदर इट वाज नोटिफाइड एज अ नेशनल पार्क। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस भी मिला 2014 के अंदर। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, इन द फार वेस्टर्न हिमालयाज। एरिया 1171 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। टॉपोग्राफी सबको ही पता है, माउंटेन्स ग्लेशियर्स माउंटेन पीक्स यहाँ आपको देखने को मिलेंगी, कॉनिफरस फॉरेस्ट मियाडोस, ये टॉपोग्राफी है। एज फार एज फना एंड फ्लोरा इज कंसर्न, 832 प्लांट स्पीशीज आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। अगर मैं बात करूँ फना की तो 31 मैमल स्पीशीज, 209 बर्ड स्पीशीज, 12 रेप्टाइल स्पीशीज, 9 एम्फीबियन स्पीशीज, 125 इंसेक्ट स्पीशीज, तो मतलब काफ़ी रिच डाइवर्सिटी। हिमालयन थर, स्नो लेपर्ड, हिमालयन ग्रिफिन वल्चर, हिमालयन ब्राउन डियर, गोल्डन ईगल, ये सब आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। और ये जो बाउंड्री है इस नेशनल पार्क के, इट इज़ कंटीजियस विद, अभी मैंने आपको दिखाया, पिन वैली और रूपी बाबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑल यू नीड टू डू इज मैप में लोकेट कर लेना, नहीं करोगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ट्राई टू डू दैट। यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स इज प्रेजेंटिंग खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स विनर विद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट गिफ्ट। खेलो इंडिया कहाँ हो रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया है, लास्ट टाइम कहाँ हुए थे वो आप बता देना। ये थर्ड एडिशन है क्या ये भी आप बताना कॉमेंट सेक्शन के अंदर। खेलो इंडिया के बारे में सबको पता चल गया है, जहाँ पर गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है और एजेंडा यही है कि इंडिया में स्पोर्ट्स कल्चर को और आगे लेकर आना, जो टैलेंट है वो आगे लेकर आए ताकि उसे नर्चर करें, फिर वो इंटरनेशनली खेल सके, ओलंपिक्स के अंदर जा सके, राइट। और वन कैन टेक स्पोर्ट्स एज ए करियर ऑप्शन ऑल्सो। तो यहाँ पर ये इवेंट्स जो हैं दे प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म एंड अपॉर्चुनिटी टू द वंस हु आर गुड एथलीट्स, राइट। अब मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट इज डूइंग समथिंग वेरी स्पेशल फॉर द विनर्स। क्या कर रहे हैं, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर जीत रहा है, दे आर प्रेजेंटिंग देम विद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट गिफ्ट। मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सबने पढ़ा होगा ना, वो स्कीम दैट इज अ इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट, किस लिए, लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की कोई एक खासियत हुई, वहाँ का कोई प्रोडक्ट होता है। ईच डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री हैज समथिंग यूनिक टू ऑफर, कोई एक स्पेशल प्रोडक्ट, कोई एक क्राफ्ट दैट दे आर नोन फॉर। मान लो जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट है, इट इज़ फेमस फॉर वहाँ का हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम टेक्सटाइल, डिलीशियस फूड आइटम, ब्यूटिफुल आर्टवर्क, तो गवर्नमेंट क्या है, उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, उसको प्रमोट करना चाहते हैं उन लोकल प्रोडक्ट्स को, इंटरनेशनली उनकी एक ग्लोबल वैल्यू भी हो सकती है मार्केट के अंदर, सो एक्सपोर्ट हब बनाना चाहते हैं उनको। सो दैट्स वेयर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव कम्स इन। इसका एम है हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर उस जो उसकी खासियत है उस प्रोडक्ट की, उसको एनकरेज करना एंड प्रोडक्शन बेसिकली एंड मार्केटिंग ऑफ दी स्पेशल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट। नाउ इट व्हेन कम्स टू खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो वन हु इज द विनर दे आर रिसीविंग दीज गिफ्ट्स एज टू रिप्रेजेंट द यूनिक प्रोडक्ट और क्राफ्ट फ्रॉम देयर डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव 2018 में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने लॉन्च किया था, जहां पर इट हेल्प्स डिस्ट्रिक्ट टू रीच देयर फुल पोटेंशियल। हमें अपना पोटेंशियल नहीं पता होता, हम अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमारी एक खासियत, कोई एक खूबी होती है जिसको नर्चर करो तो बात बन जाती है, राइट। सो वही है यहाँ पर भी, अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट के यू हेल्प देम टू रीच देयर पोटेंशियल, उससे क्या होगा, उनकी सोशियो कल्चरल ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, स्पेशली इन द रूरल एरियाज। तो इनिशिएटिव का एम यही है, सिलेक्ट ब्रांड एंड प्रमोट एटलीस्ट वन प्रोडक्ट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट, ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, राइट, ताकि यू हैव सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ अक्रॉस ऑल द रीजन्स। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एम है टू टर्न एवरी डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया इन टू अ एक्सपोर्ट हब। तो इनिशिएटिव प्लान्स टू अकम्प्लिश दिस कैसे, बाय स्केलिंग मैन्युफैक्चरिंग, सपोर्टिंग लोकल बिजनेसेस,
फाइंडिंग फॉरेन कस्टमर्स. सो इससे क्या हो रहा है, यू आर हेल्पिंग देम टू अचीव दिस आत्मनिर्भर भारत विजन. ODOP initiative has identified a total of 1102 products from 761 districts across the country. तो यहाँ पर ये initiative जो है, it is carried out with districts as export hub initiative by the Directorate General of Foreign Trade Department of Commerce. प्रोसेस क्या रहता है ना, प्रोसेस कुछ नहीं है. स्टेट्स और रिस्पेक्टिव स्टेट्स और यूटीज यह है वो क्या करती हैं, सिलेक्शन फॉर द प्रोडक्ट्स फॉर द ODOP इनिशिएटिव कम्स फ्रॉम देम. इट इज़ डन बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट्स कंसीडरिंग वहाँ का एग्जिस्टिंग लोकल सिस्टम, प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाइड अंडर द डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब, राइट, GI टैग प्रोडक्ट्स. सो टू इम्प्लीमेंट दिस इनिशिएटिव जो फाइनल लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, इट इज शेयर्ड विद द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. ये आप देख ही सकते हो, फाइनल लिस्ट इज कम्युनिकेटेड टू देम. ऑल दी एक्टिविटीज एग्जिबिशंस वो होती हैं, एक्टिविटीज लाइक रिलेटेड टू ODOP, कैपेसिटी बिल्डिंग, एग्जिबिशन. सो इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं विद इन ईच स्टेट और यूटी इन कोलैबोरेशन विद द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट अथॉरिटीज. किस लिए, सो दे वर्क टुगेदर टू प्लान एंड कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेशन होता है विद दी स्टेट्स. ऑल दीज एक्टिविटीज आर टेकन एंड ओवरऑल देखो यहाँ पर एजेंडा क्लियर होना चाहिए, राइट. आप क्या करना चाहते हो, यू हेल्प पीपल, अपॉर्चुनिटी देना चाहते हो टू सी टू लर्न अबाउट द यूनिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट. कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर ऐसी एक्टिविटीज जो कि इम्प्रूव करेंगे उनकी स्किल्स को, नॉलेज को, दैट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ दीज प्रोडक्ट्स. सो ओवरऑल ये सारी एक्टिविटीज का फोकस यही है, लोकल प्रोड्यूसर्स को सामने लेकर आना, आगे लेकर आना और उनके प्रोडक्ट को एक एक रीच जो है वो देना, ठीक है. IRDAI के बारे में जानते हैं, पहले जानने से पहले आर्टिकल देखते हैं. GS पेपर 3 से आप इसको लिंक कर सकते हो. इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज अ पार्ट ऑफ इट्स विजन इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047. विजन ध्यान में आ गया, याद कर लेना, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 has allotted states and UTs to every insurer to increase the insurance penetration in India. सुनना है, बाकी चीजें जो है ना ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा अपने आप. IRDAI एक ऑर्गेनाइजेशन है, सबको पता है, दैट रेगुलेट्स इंश्योरेंस सेक्टर इन आर कंट्री. सॉर्टेड है, ठीक है. इनका एक विजन है, they have a vision that is insurance for all by 2047. इसका पर्पस क्या है, to ensure कि every person in India has access to insurance, हर एक के पास. as a part of this vision IRDAI ने क्या किया है, they have allotted states and UTs to insurance company. इसका मतलब ये कि हर एक insurance company is assigned a specific area where they can offer their insurance services. Goal kya hai? So goal is to increase the reach of insurance, make it available to more people across the country. Insurance, I think sabko pata hai, insurance where individuals, jahan par aap ek premium, ek certain amount of money pay karte ho to the insurance company, badle mein wo aapko kya deti hai, financial protection, compensation deti hai, agar koi bhi event ho jata hai, koi accident ho gaya, koi illness ho gayi, koi property damage ho gayi, to ye sab kuch. और इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज इट हेल्प्स पीपल टू प्रोटेक्ट देमसेल्स एंड देयर बिलोंगिंग्स. अनएक्सपेक्टेड इवेंट होते हैं, हमें नहीं पता कब क्या हो जाए, वी शुड बी प्रिपेयर्ड, राइट. जैसे हेल्थ इंश्योरेंस होता है, इट हेल्प्स टू पे फॉर द मेडिकल एक्सपेंसेस इफ समवन फॉल्स इल्स और गेट्स इंजर्ड, तो इंश्योरेंस होना चाहिए. स्टेट्स और यूटीज को एलोकेट करके टू द इंश्योरेंस कंपनीज, IRDAI इज वर्किंग टूवर्ड्स मेकिंग इंश्योरेंस मोर एक्सेसिबल टू द पीपल ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है. तो ये आपका ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो गया कि 2047 तक हर एक सिटीजन हैज एन एप्रोप्रिएट लाइफ हेल्थ एंड प्रॉपर्टी इंश्योरेंस. तो एम क्या है, इंडियन इंश्योरेंस को मेकिंग इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर ग्लोबली अट्रैक्टिव. इसमें पिलर्स कौन कौन से हैं, 3 पिलर्स हैं, इंश्योरेंस कस्टमर्स, इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर्स. इंश्योरेंस कस्टमर कौन है, आप पॉलिसी होल्डर हैं, यू आर द कस्टमर. इंश्योरेंस कस्टमर वही होता है, इंश्योरेंस कस्टमर आर पॉलिसी होल्डर्स ओनली, इंडिविजुअल्स होते हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसीज को परचेज करते हैं,
These policies provide them with the financial protection in case of any unnecessary event happens. नहीं, दूसरा इंश्योरेंस प्रोवाइडर, इंश्योरेंस प्रोवाइडर जिनको आप इंश्योरर्स भी बोलते हो, कौन है? इंश्योरेंस कंपनी जो आपको प्रोवाइड कर रही है. सो इंश्योरर्स और इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स आर दी कंपनीज दैट ऑफर इंश्योरेंस पॉलिसीज टू कस्टमर्स. दीज कंपनीज असेस द रिस्क, कलेक्ट द प्रीमियम एंड ऑफर यू दी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो भी उनके हैं, वो गए इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स. थर्ड इज इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो इंटरमीडियरीज हैं जो इनको कनेक्ट करते हैं इन दोनों को. कंपनी को कस्टमर से कनेक्ट करने वाला कौन है? इंटरमीडियरी, हम बोलते हैं ना एजेंट, ब्रोकर्स, तो ये वो है. तो दे प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल, राइट? दे कैन बी एंटिटीज जो कस्टमर्स को अंडरस्टैंड, मेक देम अंडरस्टैंड अबाउट द इंश्योरेंस, और जो अप्रोप्रिएट इंश्योरेंस पॉलिसी उनके लिए है, मेक देम, हेल्प देम इन फाइंडिंग दैट अप्रोप्रिएट इंश्योरेंस पॉलिसी. तो ये होता है इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर, दैट इज इंटरमीडियरीज. और ये तीन पिलर्स तो हैं ही जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इस विजन का फोकस एरियाज क्या है? ये है फोकस एरियाज, इनको हम अच्छे से कवर करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप मेंस में इससे आंसर लिख पाओ. नाउ द फर्स्ट इज मेकिंग अवेलेबल द राइट प्रोडक्ट्स टू द राइट कस्टमर. ये पहला ऑब्जेक्टिव है ऑफ इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, अगर आप अचीव करना चाहते हो तो. कि मेक श्योर कि अच्छा, बहुत सी अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, आपके स्पेसिफिक नीड को कौन सी सूट कर रही है. सो मेकिंग अवेलेबल कि राइट कस्टमर को राइट प्रोडक्ट दिया जाए, पहला ऑब्जेक्टिव, पहला फोकस एरिया. दूसरा, एक स्ट्रॉन्ग रोबस्ट ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए. आपको कोई डाउट है, आपके पास कमेंट सेक्शन है, आप वहां पूछ सकते हो. तो सिमिलर इज द केस हियर, यहाँ पर भी वी शुड हैव अ सिस्टम इन प्लेस वेयर पीपल कैन वॉइस देयर कंसर्न, देयर कंप्लेंट्स, और इट गेट्स रिजॉल्व इन अ वेरी टाइमली एंड स्टिपुलेटेड मैनर, इन अ वेरी फेयर मैनर. तो ग्रीवियंस रिड्रेसल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तीसरा, फैसिलिटेटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द इंश्योरेंस सेक्टर. बहुत बिल्कुल सही बात है, मेकिंग इट ईजियर फॉर द इंश्योरेंस कंपनीज की वो ऑपरेट करें, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए. तो प्रोसीजर्स गवर्नमेंट अथॉरिटीज को सिंपल रखने चाहिए, अननेसेसरी हर्डल्स हटा देनी चाहिए ताकि इंश्योरेंस कंपनी स्ट्रीमलाइन प्रोसेस कर पाए टू इंश्योर और एफिशिएंट तरीके से अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट कर पाए. थर्ड फोकस एरिया. फोर्थ, इंश्योरिंग द रेगुलेटरी आर्किटेक्चर इज अलाइंड विद द मार्केट डायनामिक्स. रेगुलेटरी आर्किटेक्चर माने तो रूल्स और रेगुलेशंस जो इंश्योरेंस सेक्टर को गवर्न करते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू इंश्योर कि ये रेगुलेशंस जो हैं ये फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, दे अडॉप्ट टू द चेंजेस इन द मार्केट, राइट? दिस इज द केस, जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, कस्टमर नीड्स, मार्केट ट्रेंड्स जो हैं. सो दीज दिस हेल्प इंश्योरेंस कंपनीज टू रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ देम, राइट? बूस्टिंग इनोवेशन, बिल्कुल, नए टेक्नोलॉजीज, नए आइडियाज, न्यू अप्रोचेज इन द इंश्योरेंस सेक्टर, उसको एनकरेज करना चाहिए. डेवलपमेंट ऑफ न्यू इनोवेटिव इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, मोर एफिशिएंट प्रोसेस, इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंसेस, तो ये सब कुछ भी होना चाहिए. एनहैंसिंग कॉम्पिटिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशियंसीज. कॉम्पिटिशन जो है इंश्योरेंस कंपनीज कितनी है, उनके बीच में एक अच्छा हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए जिसकी वजह से आपको कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, फेयर प्राइसिंग मिलेगा, बेटर प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ईजी एक्सेसिबल हों टू द कस्टमर्स, ये होता है. और लास्ट इज मेन स्ट्रीमिंग द टेक्नोलॉजी एंड मूविंग टूवर्ड्स अ प्रिंसिपल बेस्ड रेगुलेटरी रिजीम. बिल्कुल सही बात है, प्रिंसिपल वेज. आप क्या कह रहे हो, टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी क्रूशियल है इन मेकिंग इंश्योरेंस मोर एक्सेसिबल एंड एफिशिएंट. सो इनकॉर्पोरेटिंग टेक्नोलॉजीज, इंश्योरेंस कंपनीज ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं, ऑटोमेट प्रोसेस कर सकती हैं, एंड बेटर कस्टमर को एक्सपीरियंस दे सकती हैं. सो दीज ऑल आर थिंग्स दैट केम एज अ फोकस एरिया. स्टेटस ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस में काम आ जाएगा. सो दीज आर 2 to 3 lines, और इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अंदर ही है, तो ध्यान देना. लाइफ इंश्योरेंस डेंसिटी इन द कंट्री इंक्रीज फ्रॉम 11.1 US dollar in 2001 टू 91 US dollar इन 2021. मैं चाहूँ तो ये लाइन बोल के चली जाती हूँ, ये फैक्ट है, काम आ जाएगा आपके, लेकिन नहीं. ये लाइफ इंश्योरेंस डेंसिटी क्या है?
इट मीन्स इट मेजर्स दैट टेल्स अस द एवरेज अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कवरेज पर पर्सन. मतलब जैसे मैंने यहाँ पे कहा अकॉर्डिंग टू द सर्वे 2001 में लाइफ इंश्योरेंस डेंसिटी कंट्री के अंदर थी 11.1 US डॉलर. इसका मतलब ये हुआ कि ऑन एवरेज ईच पर्सन हैड इंश्योरेंस कवरेज वर्थ 11.1 US डॉलर. ठीक है, ऐसे ही अब इट इज 91 US डॉलर. सो ओवरऑल व्हाट इट इज शोइंग दैट द एवरेज अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कवरेज पर पर्सन हैज ग्रोन. और उसके बाद इंक्रीज थ्री टोटल ग्लोबल इंश्योरेंस प्रीमियम इन 2021 इंक्रीज टू 3.4% इन द रियल टर्म्स. नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर रजिस्टर्ड 2.6% ग्रोथ. तो ये मतलब लाइफ इंश्योरेंस हो चाहे नॉन लाइफ इंश्योरेंस हो, दोनों दे आर बिकमिंग मोर प्रेवलेंट एंड इम्पॉर्टेंट. जहाँ पर हम बात करते हैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की, व्हीकल्स, प्रॉपर्टी, सो नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर ये सब आता है. एंड दिस सेक्टर इज ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग अ ग्रोथ ऑफ 2.6%. IRDAI के हिसाब से इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया इंक्रीज फ्रॉम 3.76% इन 2019-20 टू 4.20%, रजिस्टरिंग अ ग्रोथ ऑफ 11.70%. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अंदर का डेटा है, बहुत काम आएगा. अच्छा, IRDAI के बारे में भी लास्ट में जान लो. 1999 में इट वॉज फाउंडेड. एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसका एम है इंश्योरेंस कस्टमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना. स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर IRDAI एक्ट 1999. और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री. वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स अथॉरिटी के पावर्स और फंक्शंस उसको IRDAI एक्ट 1999 एंड इंश्योरेंस एक्ट 1938 वहां से आते हैं. राइट, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया. जितनी भी अब सारी बातें हैं विद रिस्पेक्ट टू IRDAI वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी. नेक्स्ट इज वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे 28 मई को होता है, जिसमें एक एनजीओ ने रिलीज करा है द फाइंडिंग्स ऑफ अ स्टडी. किस लिए कंडक्टेड हुई? टू असेस द अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड हेल्थ अमंग द एडोलेसेंट गर्ल्स इन इंडिया. 28 मई को क्यों होता है? क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स द एवरेज लेंथ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो 28 डेज की होती है ना वो सिंबलाइज करती है, तो इसीलिए 28 मई. इसका एम है टू रेज अवेयरनेस एंड प्रमोट गुड मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अराउंड द वर्ल्ड. थीम वेरी इंपॉर्टेंट, मेकिंग मेंस्ट्रुएशन अ नॉर्मल फैक्ट ऑफ लाइफ बाय 2030. नॉर्मल फैक्ट ऑफ लाइफ बहुत ही अच्छी थीम है. और जो स्टडी कंडक्टेड हुई फॉर 2 मंथ्स विद द पार्टिसिपेशन ऑफ नियरली 4,000 गर्ल्स 10 से 17 साल की एज के बीच में फ्रॉम 38 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द कंट्री, उसने इट शेड लाइट ऑन परसेप्शन, प्रैक्टिसेस, चैलेंजेस फेस्ड बाय यंग गर्ल्स रिगार्डिंग द मेंस्ट्रुएशन. अभी तो कईयों को पता ही नहीं है कि इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. राइट, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए. अगर मैं थोड़ा सा इसमें बात करूँ चैलेंजेस की, आज जो गर्ल्स फेस कर रही हैं, नॉलेज ही नहीं, अवेयरनेस नहीं है अबाउट द मेंस्ट्रुएशन. आज भी सोशल स्टिग्मा और टैबू सराउंडेड है टू द मेंस्ट्रुएशन. सैनिटरी प्रोडक्ट्स के लिमिटेड एक्सेस है, प्रॉपर मेंस्ट्रुअल हाइजीन रिसोर्सेज नहीं है, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं टू इवन अफोर्ड दी सैनिटरी पैड्स, इनएडोकेट सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं पब्लिक प्लेसेस और स्कूल्स के अंदर, प्रिवेसी नहीं है, लैक ऑफ प्रिवेसी एंड मतलब सुटेबल डिस्पोजल मेथड्स नहीं है फॉर द यूज सैनिटरी प्रोडक्ट्स है. मेंस्ट्रुअल हेल्थ एजुकेशन सपोर्ट पे इक्वल एक्सेस नहीं है. फैमिली मेंबर्स और कम्युनिटी के साथ भी एक ओपन डायलॉग नहीं है आज, सपोर्ट नहीं है. राइट, मतलब मैं अगर आपको नंबर बताऊं, परसेंट बताऊं, तो 44.5% लड़कियां आज भी होममेड एब्जॉर्बेंट्स या क्लोथ्स दे यूज इंस्टेड ऑफ द सैनिटरी पैड्स. 12% लड़कियों को तो दे स्टिल बिलीव दैट मेंस्ट्रुएशन इज अ कर्स फ्रॉम द गॉड और कॉज्ड बाय अ डिजीज. 61.4% गर्ल्स हैं हु एक्नॉलेज द एग्जिस्टेंस ऑफ the social embarrassment that is related to products. तो वो है ना एक टैबू जो है, सोशल स्टिग्मा, वो आज भी अटैच्ड है. वर्क प्लेसेस पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको कभी, आप अपने किसी को ये भी नहीं बोल सकते वर्क प्लेसेस पे स्टिल की इफ अ वुमेन इज फेसिंग एनी एब्डोमिनल पेन और समथिंग, वो ओपन डायलॉग है ही नहीं. सो दीज आर द थिंग्स दैट स्टिल लैक इन, आई एम सॉरी. सो एज फार एज इंडिया के इनिशिएटिव फॉर मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज कंसर्न, तो यहाँ पर आप देखो मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम है, 2011 में लॉन्च हुई थी.
प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जहां पर जन औषधि केंद्र के अंदर अगर आप देखो तो सुविधा है, नैपकिन्स दिए जाते हैं 1 रुपी पर पैड। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो कॉल्ड फॉर यूनिफॉर्म नेशनल पॉलिसी इन 2022। सो स्टेप्स हैव बीन टेकन, और वे फॉरवर्ड में अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गर्ल्स को एजुकेट किया जाए अबाउट द मेंस्ट्रुअल हाइजीन। एक पॉजिटिव एटीट्यूड प्रमोट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट? इमोशनल वेलबींग, ये सब कुछ जो है लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। केरला, तमिलनाडु एंड तेलंगाना एमर्ज एज द टॉप परफॉर्मर्स अमंग द लार्ज स्टेट्स इन द नीति आयोग एनुअल हेल्थ इंडेक्स। तो नीति आयोग का 2017 इन 2017 नीति आयोग हेल्थ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री और वर्ल्ड बैंक दे केम अप विद दिस एनुअल हेल्थ इंडेक्स, ताकि आप यूटीज और स्टेट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस, दो पैरामीटर्स होते हैं, इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस और ओवरऑल परफॉर्मेंस, ये असेस किया जाता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस ओवरऑल है, इंक्रीमेंटल मतलब ईयर ऑन ईयर, पिछले साल कैसी परफॉर्मेंस थी, इस साल कैसी परफॉर्मेंस है। सो ये इंडेक्स जो है हेल्थ आउटकम्स को ट्रैक करता है, एक कॉम्पिटिशन, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन, जहाँ पर उस स्टेट ने अच्छा क्या किया इस सेक्टर के अंदर, हम भी वैसा कर सकते हैं, ये सब कुछ। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पे केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्लेस पर है लार्ज स्टेट्स में से। बिहार, यूपी, एमपी बॉटम पे हैं। स्मॉलर स्टेट्स में त्रिपुरा हैज़ रिकॉर्डेड द बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस, और यूटीज में लक्षद्वीप हैज बीन रैंक्ड एज द टॉप परफॉर्मर, दिल्ली रैंक्ड एट द बॉटम। इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस की मतलब 2019-20 के कंपैरिजन में 2020-21 के अंदर जिन स्टेट्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई वो है राजस्थान, उत्तराखंड और उड़ीसा। तो आप ये डेटा यूज कर सकते हो अपने आंसर्स के अंदर। नेक्स्ट इज कमेमोरेटिव कॉइन ऑफ ₹75 डिनोमिनेशन। तो अभी इनॉग्रेशन के टाइम पे किसके न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, तो वी केम अप, प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने इन दिस सिग्निफिकेंट इवेंट अनवील्ड अ कमेमोरेटिव कॉइन ऑफ ₹75 डिनोमिनेशन। कमेमोरेटिव कॉइन बोले तो क्या समझते हो आप कमेमोरेटिव कॉइन से, किसी को कोई आइडिया है, सोचो। कमेमोरेटिव कॉइन मतलब कि जो स्पेशल कॉइन्स होते हैं दैट आर क्रिएटेड टू रिमेंबर दैट सेलिब्रेट इंपॉर्टेंट थिंग्स, सो दे आर इशूड जैसे इन इंडिया सिंस 1960s फॉर वेरियस रीजन्स। समटाइम्स दीज कॉइन्स आर मेड टू ऑनर द फेमस एंड इंपॉर्टेंट पीपल हु हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द कंट्री, राइट? सो दे आर मेड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम्स, टू रिमेंबर द हिस्टोरिकल इवेंट्स। अभी जैसे पार्लियामेंट बिल्डिंग इज अ वे टू रिमेंबर, सॉरी, दिस कमेमोरेटिव कॉइन दैट इज अनवील्ड बाई द प्राइम मिनिस्टर इज एट द इनोग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट। तो अगर आपने इसको अनवील किया है, दिस कमेमोरेटिव कॉइन को, तो एक तरीका है टू रिमेंबर एंड सेलिब्रेट दिस इंपॉर्टेंट इवेंट, राइट? ये जो कमेमोरेटिव कॉइन के फीचर्स हैं वो ध्यान में रखना। सर्क्युलर शेप है विद अ डायमीटर ऑफ 44 mm, 50% सिल्वर है, 40% कॉपर है, 5% निकल है, 5% जिंक है। सेंटर पे लायन कैपिटल अशोकन पिलर है, और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है नीचे, भारत लिखा हुआ है देवनागरी स्क्रिप्ट में ऑन द लेफ्ट पेरिफरी, राइट पेरिफरी पे इंग्लिश में लिखा हुआ है इंडिया। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की इमेज है ऑन द अदर साइड विद संसद संकुल इंस्क्राइब्ड इन द देवनागरी स्क्रिप्ट और पार्लियामेंट्री कॉम्प्लेक्स इन इंग्लिश। तो क्या कुछ लिखा हुआ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ से यूपीएससी पूछ सकती है सवाल। कमेमोरेटिव कॉइन्स स्पेशल कॉइन्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। सो इन इंडिया इफ यू वॉन्ट टू ऑब्टेन दी कमेमोरेटिव कॉइन्स यू कैन गो थ्रू दिस वेबसाइट सिक्योरिटीज ऑफ प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इनकी जो एक्चुअल वर्थ है, जो उनकी फेस वैल्यू है, उस पर नहीं जाती है, राइट? सो दिस मीन्स देयर एक्चुअल वर्थ कैन बी हायर देन देयर फेस वैल्यूज बिकॉज दे कंटेन प्रीशियस मेटल्स लाइक सिल्वर एंड गोल्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है टू डिजाइन एंड मिंट द कॉइन्स अकॉर्डिंग टू विच एक्ट, कॉइनेज एक्ट ऑफ 2011। आरबीआई प्लेइंग अ लिमिटेड रोल इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन। ऑल द कॉइन्स आर मिंटेड इन द गवर्नमेंट ऑन मिंट्स लोकेटेड इन मुंबई, नोएडा, कोलकाता और हैदराबाद। पहला कमेमोरेटिव कॉइन इन इंडिया वॉज रिलीज इन 1964 एज अ ट्रिब्यूट टू जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये कुछ थे आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आज के आर्टिकल्स की डिस्कशन। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगती है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट।